Hello friends, how are you? A very good evening to everyone. Just make me sure that I'm audible so that we can start off with the class. A very good evening. थोड़ा सा क्या हुआ था कि वो OBS पूरा खराब हो गया था, पूरा दोबारा से रिस्टोर करना पड़ा, इसकी वजह से क्लास लेट हो गई. वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. So without wasting any time, let's start with the class. We would be taking up. मेरे को तो था कि आज I was just checking the papers. और जो चेक कर रहे थे इसको भी कितना कितना है करवाने वाला. मेरे को लगा यार दिसंबर का थोड़ा सा छोटा है. आज लड़के को बोला कि साथ में जनवरी वाला भी जोड़ दे, आधा जनवरी वाला ख़त्म करवा दूंगा. और जनवरी वाला साथ में ऐड करते करते ये भी बेचारा हैंग हो गया और उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम केम. होपफुली इसको ओके अंजू ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो वी वुड बी स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर करंट अफेयर्स. पहला है ज्योग्राफी एंड मैपिंग, दैट हैज बीन देयर. ज्योग्राफी मैपिंग वाला एस्पेक्ट है. द फर्स्ट थिंग इज पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे है. इट इज देयर इन आंध्र प्रदेश रीजन, पापीकोंडा नेशनल पार्क. Second is basically the Makran subduction zone that has been there. We'll talk about the Makran subduction zone. It is basically the physiographic expression of the subduction zone that you find basically near the northeastern margin of the Gulf of Oman. वहाँ पे आपको मिलता है. Adjacent to the southwestern coast of Balochistan region of Pakistan and a southeast part of Iran, जब आप मैप पे देखते हैं. कैनारी आइलैंड जब ज्योग्राफी मैपिंग करवाई थी अब उसके एस्पेक्ट्स में, दैट वाज आल्सो वहाँ पे हमने इसको किया था. स्पेन का है, दैट इज अलोंग द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका. दैट इज इट, ये कर चुके हैं. वाइट आइलैंड, वकारी आइलैंड पहले मैपिंग में भी कर चुके हैं. न्यूजीलैंड में पाया जाता है. टाइफून फैनफोन वॉज बेसिकली देयर इन फिलीपींस. साइक्लोन सराई इज देयर इन फिजी. कलसा बंडूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट कर्नाटका में है. रिवर कौन सी है, महादाई रिवर. बेलगाम केव कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में. पुलिकट लेक दैट इज देयर इन आंध्र प्रदेश, द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम दैट इज देयर इन द कंट्री. फ्लेमिंगोज स्टॉक्स पेलिकन्स यू फाइंड ओवर हियर. प्राइमरी इनफ्लोज आर बेसिकली रिवर रानी रिवर इज देयर, कलांगी रिवर इज देयर एंड स्वर्णमुखी रिवर्स आर देयर. फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन दिस रीजन, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर पे. बराक वैली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. असम डोमिनेटेड बाई द बंगालीज. बराक वैली कहाँ पे है, असम में. कौन ज़्यादा पॉपुलेशन डोमिनेट है, इट इज बेसिकली द बंगालीज हू डोमिनेट दिस रीजन. ब्रह्मपुत्र वैली असम डोमिनेटेड बाई द असामीज. कॉफी, कॉफी इज बेसिकली ऑफ एन इथोपियन ओरिजिन एंड हैव बीन ब्रॉट टू मालाबार कोस्ट बेसिकली बाई द अरब ट्रेडर्स जो हिंदुस्तान में लेकर आए. It was thus coffee was planted and grown in the regions of southern part, basically Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. अब आंध्र प्रदेश में ग्रो करी जाती है. तो कौन सी अरक्कू वैली, आपको नॉर्मली भी पूछा जा सकता है कि अरक्कू वैली कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में. और उसके बाद सेवन सिस्टर स्टेट्स दैट इज देयर. मोस्ट साउथ इंडियंस ड्रिंक नॉट प्योर कॉफी बट अ मिक्सचर ऑफ कॉफी एंड चिचोड़ी. Chichori is basically a native plant that is cultivated and grown in the Mediterranean regions of Spain, Greece, Turkey, etc. So South India mein basically north to north mein bhi available hai. The more famous is basically the filter type coffee jo aapko normally jo log commonly peete hain wahan pe. Ramkrishan beach is basically Visakhapatnam. Morjim beach is in Goa. Vandiyur lake is basically in Tamil Nadu facing the invasion of the fish species jo hai basically Amazon sailfish, catfish, etc. Kuenga river Siberia region mein hai, Russia. Burkina Faso basically a landlocked country hai West Africa mein. Jab humne mapping mein geography system mein kiya tha kahan pe hai, Pulicat Lake, brackish water. मैप नहीं है, नहीं तो आपको पूरा बता देता. थोड़ा सा ऐसे
ऐसे अंदर से घुस के होता है ये ब्लैक, मैपिंग नहीं है, नहीं तो मैप पे देख लो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ब्लैकिश वाटर क्या होता है, क्योंकि बेसिकली ये ट्रेडिशनल ज्योग्राफी का पार्ट है। एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, देहरादून बेस्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन क्लीन आर्ट, इट वॉज बेसिकली अ फर्स्ट पैन इंडियन ऑपरेशन टू क्रैक डाउन ऑन स्मगलिंग ऑफ द मुनगूस हेयर, मुनगूस हेयर के को स्मगलिंग से रोकने के लिए है। कंसीव्ड बाई WCCB विद अ सिंगुलर एम दैट इसको बचाना है। मुनगूस इज लिस्टेड इन द पार्ट शेड्यूल टू ऑफ द पार्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, IUCN स्टेटस है इसका वल्नरेबल, लीस्ट वल्नरेबल साइट्स अपेंडिक्स टू में है। There are six species of mongoose that are found: Indian grey mongoose, small Indian ruby mongoose, crab-eating striped-necked mongoose, and brown mongoose that are there. Save kurma, basically turtle species को बचाने के लिए है। 2016 में शुरू हुआ था। Cooperation in polar science agreement, India और Sweden ने है क्या? Likely to sign the first maritime cooperation agreement between both of them. It is for both the Arctic and the Antarctic region where both the countries would be cooperating and maritime share of the information will be done. Deemed forest हम पहले ही कर चुके हैं। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1998 में फाउंड हुई थी, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड चैरिटी इन इंडिया बेसिकली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर इन द कंट्री। कॉटन रिसर्च बॉडीज इन इंडिया एंड युगांडा टू डेवलप न्यू सीड वैरायटी, इट्स द 18-month प्रोजेक्ट दैट हैज बीन देयर बिटवीन द टू कंट्रीज टू डेवलप अ न्यू सीड वैरायटी। Uganda basically grows 100% organic cotton and cotton grown by the farmers gives a higher right, amount of return as compared to what the Indian farmers get when they grow the cotton. So 100% organic cotton Uganda grow karta. World Habitat Award 2019, Odisha has won it for its initiative Jaga Mission, basically which is aiming to transform the slums into a livable habitat in the country. In the particular region, the award is given by the World Habitat in partnership with the United Nations Habitat. World Habitat क्या है? Basically एक international not for profit organization है, foundation that was basically established in UK, जो काम करती है best housing practice को promote करने के लिए। United Nations Habitat, United Nations Human Settlement Program है, by United Nations, it is mandated by United Nations General Assembly that they wanted to promote and socially and an environmentally sustainable towns and cities in the country. Established in 1978 as an outcome of the first United Nations Conference on Human Settlement and Sustainable Development that took place. Headquarters is basically at United Nations office at Kairobi at Kenya. Arakku Valley abhi aapko bataya tha Andhra Pradesh mein. Green Deal. It is a deal that is basically announced by the European Commission so that with binding targets for the member nation so that they are able to cut at least 50% of their emission by 2030 and go zero net basically by 2050 was 0% kar denge tab. Very very important Green Deal European Commission ke. The Green New Deal is basically a proposed package of United States legislation with the aim that they wanted to address the climate change or income inequalities that are there. Next is Index of Economic Freedom ranking published by the Heritage Foundation. Operation Twist RBI pehle bhi hum kar chuke hain to bring about the long term investment in the country so that more and more investment could be coming. Under it what it is basically involving the sale and the purchase of the bonds. It means that the government or the country's monetary authority that would be there sells the short-term securities or long-term securities ko buy kar lete open market se.
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। ऑपरेशन डॉल्फिन नोज बाय आंध्र प्रदेश नेवल एंड सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी लॉन्च दिस ऑपरेशन इन दैट रिगार्ड सो दैट स्पॉयनेज रैकेट को तोड़ा जा सके। फॉरेस्ट कवर नॉर्मली पुराना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी बेसिकली लोकेटेड इन गोवा। ऐसे सीधा ही आ जाता है कभी मैच था फॉलोइंग। सेंट्रल फूड ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मैसूर। रेयर सैंड बोआ, इट इज अ रेयर नॉन पॉइजनस स्नेक दैट इज देयर, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। रेड सैंड बोआ, सीधा आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है क्या है ये। इकोनॉमिक्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अप्रूव किया है टू क्रिएट एन एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, हम पहले भी कर चुके हैं ये वाला। तनु रामादुराई कमेटी बेसिकली आरबीआई ने किया है 2015 में टू स्टडी वेरियस फेसेट्स ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंस इन द कंट्री। ऑपरेशन क्वेस्ट अभी किया है। हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, कॉमन टर्म दैट यू रीड इन इकोनॉमिक्स। हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल, इट इज मिक्सड ऑफ बेसिकली ईपीसी एंड बीओटी। ईपीसी इज इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड बीओटी इज बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट मॉडल। इन दोनों का मिक्स है। इट मीन्स दैट द फर्स्ट 40% पेमेंट इज मेड एज अ फिक्सड अमाउंट इन 5 वीकल इंस्टॉलमेंट्स, 8-8 करके। And whereas the remaining 60% is paid as a variable annuity amount, जब project पूरेगा पूरा complete हो जाएगा, depending upon the asset that has been created, ICU or normal terms है। E बकराया basically Ministry of Finance ने launch किया। A common e-action platform है to sell properties worth 2.3 lakh crore that was attached by public sector undertaking over the last 3 years। E बकराया प्रोजेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोधा कमेटी बीसीसीआई रिफॉर्म्स के लिए, इसने बोला था कि बैटिंग को आप लीगलाइज कर सकते हो। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल प्रिपेयर किया था अ कमेटी हेडेड बाय द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बी एन श्रीकृष्ण। ओल्ड लॉज आर देयर विच आर न्यूज। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल पुराना ही है जो आप नॉर्मल पढ़ते हो। सिटीजनशिप वाला ऑलरेडी वी हैड डन। फॉरन फॉरनर्स डिटेंशन सेंटर, इट ऑल बिकम दैट फ्रॉम 1st of January ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु दैट वी आर ट्राइंग टू सेटअप। इट इज बेसिकली कमिंग अप इन द स्टेट इज अ नेशनैलिटी न्यूट्रल। ऐसा नहीं कि किसी नेशनल को स्पेसिफिक हो, नेशनैलिटी न्यूट्रल न्यूट्रलिटी वुड बी देयर एंड विल एक्ट एज अ टेम्पररी डिटेंशन होम फॉर द फॉरेन नेशनल्स हु आर इलीगली स्टेइंग इन इंडिया और उनको डिटेन किया है पुलिस। जरनैल सिंह वर्सेज लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस 2018 रिलेटेड टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर एससी एंड एसटी कम्युनिटी। पल्ले प्रगति प्रोग्राम एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज के लिए है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने चलाया गया है। तनबो आर्ट और राइस पेडी आर्ट बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है जापान। इट्स अ रेप्लिका ऑफ द फेमस पेंटिंग्स इंक्लूडिंग मोनालिसा बाय द ग्रोइंग राइस हैज बीन देयर ऑफ डिफरेंट कलर्स। जंगूबाई केव टेम्पल एंड कल कपलाई केव्स कहाँ पे है? अबोरिजिनल्स ने कंसिडर्ड एज पिलग्रिमेज साइट फॉर बाई अबोरिजिनल्स हु आर देयर ऑफ गोंड प्रदान एंड कोलम्स। दीज केव्स आर लोकेटेड इन तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर के कंटेक्स्ट में। कोलम्स आर बेसिकली द शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट्स ऑफ तेलंगाना छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। जल्लीकट्टू एवरीवन नोज़। होरी हब्बा बेसिकली बुल कैचिंग स्पोर्ट है फोरेगांव।
भीम कोरेगांव बैटल काफ़ी पुराना है। यक्षगाना बेसिकली अ क्लासिकल फोक आर्ट फॉर्म ऑफ दैट इज देयर फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटक रीजन परफॉर्मिंग देयर विल बी डिपिक्ट्स अ स्टोरी ऑफ द हिंदू एपिक्स एंड पुराणास दैट वुड बी परफॉर्म। ग्यारेपत्तू बेसिकली द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म दैट इज देयर ओरिजिनेट्स इन केरला एंड डेट बैक्स टू अराउंड 3rd century BC से चल रहा है। मैं 1 से 12 में पढ़ता हूँ फिर कॉलेज में इंग्लिश मीडियम सब 2 ईयर्स। हाँ ठीक है हार्दिक नो प्रॉब्लम इन दैट इंग्लिश इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो इंग्लिश भी बड़ी हाई फाई नहीं चाहिए ना जैसे पहले बता रहे थे इंग्लिश डू नॉट नीड टू वेरी हाई फाई नीड टू बी वेरी सिंपल लैंग्वेज सो दैट यू आर एबल टू कम्युनिकेट दैट इज सफिशियंट। आप कम्युनिकेट कर जानी चाहिए अपनी बात सफिशियंट है। नाइन्टी टारगेट्स बेसिकली सेट अप बाई UNAIDS दैट इज द लीडिंग यूनाइटेशन एजेंसी इन द बैटल ऑफ वी आर फाइटिंग अगेंस्ट HIV। इट स्टेटेड दैट बाई 2020 90% ऑफ द पर्सन लिविंग विद HIV विल नो देयर HIV स्टेटस 90% ऑफ देम डायग्नोज विद HIV विल रिसीव अ सस्टेन्ड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एंड 90% ऑफ ऑल पीपल ऑन सच थेरेपी विल हैव वायरल सुप्रेशन ऑल्सो। 90-90-90 स्ट्रेटजी इसको डील करने के लिए HIV/AIDS को डील करने। आकाश मिसाइल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सर्वत्रा ऐप कवच बेसिकली द इंडिया द आर्मी डिजाइंड ब्यूरो एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इंडिजिनसली डेवलपिंग ऑफ दिस अ बुलेट प्रूफ जैकेट दैट वॉज डेवलप दैट कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वेरियस एम्यूनिशंस इंक्लूडिंग दैट ऑफ स्नाइपर राइफल्स एंड अदर्स। रिसाइकलिंग ऑफ द शिप्स एक्ट It is in this regard that India comparatively aims to garner at least 60% of the global ship recycling business. And therefore, ships ki recycling ke liye we want to emerge as one of the important centers as provided. India recycles around 300 of the 1,000 ships which were demolished per annum globally. Aur hum isko increase karne ki koshish kar rahe hain. However, like Japan, US, Europe are not sending their ships to recycle in India because hamare paas there is a global convention का ratification नहीं किया। The act जो हमने किया recycling of the ship act ratifies the Hong Kong convention and therefore facilitate that we would be recycling of the ships would be taking place in an environmentally friendly manner and now these countries for example Japan, US and European countries they can be sending the ships for recycling. When you talk about Gujarat Alang, it's the world's biggest shipyard that we happen to see. Osiris Rex basically by NASA to study the asteroid Bennu uske liye hai. Methaquinone basically CSIR developed India's first synthetic drug that was in 1950. दिसंबर के मंथ में कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हुई थी। द थ्योरी ऑफ डिसेंडेंट लिरिक्स इट पुशेस बैक द एवोल्यूशन ऑफ द स्पीच बेसिकली टू 20,000 years बैक जो दैट इज बेसिकली द वॉइस वॉक्स अकॉर्डिंग टू विच द लिरिक्स मस्ट बी इन अ लो पोजिशन टू प्रोड्यूस अ डिफ्रेंशिएटेड वोवल्स बिफोर द स्पीच कैन इमर्ज थोड़ा सा नीचे। Kerala also known as the diabetes capital of India. Soy satellite launching beside basically the North Korean region. Operation Thunderbird is basically the code name for Interpol's multinational and multi
स्पेसिमन स्पीशीज एनफोर्समेंट ऑपरेशन कोऑर्डिनेटेड बाय WCCB. ग्रीन लाइन ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले. सिविल ह्यूमन राइट फ्रंट और CHRF ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बेसिकली फोकसिंग ऑन इश्यूज ऑफ द हांगकांग पॉलिटिक्स एंड लाइवलीहुड इन द कंट्री एंड देयरफॉर एफिलिएटेड विद ऑलमोस्ट ऑल द पेंडेमिक कैंप्स दैट आर टेकिंग इन टेकिंग प्लेस इन द रीजन ऑफ हांगकांग. इंदिरा हम कर चुके हैं. मिशन परिवार विकास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया है टू डिलीवर इम्प्रूव्ड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इन 145 डिस्ट्रिक्ट्स बेसिकली फोकस डिस्ट्रिक्ट इन द 7 डिफरेंट स्टेट्स छत्तीसगढ़ बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश झारखंड असम एंड राजस्थान रीजन. एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन बेसिकली दिव्यांग के लिए एक डिसेबल्ड फ्रेंडली एनवायरमेंट क्रिएट करना. पोषण अभियान हम ऑलरेडी कर चुके हैं. निर्भय कड़ी प्रोग्राम बोल्ड वर्ड प्रोग्राम बेसिकली ओडिशा की गंजम डिस्ट्रिक्ट्स में विल ऑफर अ रिवॉर्ड ऑफ 5000 बेसिकली टू एनीवन हु प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द चाइल्ड मैरिज. जो भी चाइल्ड मैरिज के इंफॉर्मेशन देगा उसको 5000 रुपए का नाम दिया जाएगा. निर्भय कड़ी प्रोग्राम दैट इज बेसिकली अ प्रोग्राम दैट हैज बीन स्टार्टेड बाय द ओडिशा गवर्नमेंट. फ्रेंड दिसंबर में बहुत ही लिमिटेड सा करंट अफेयर था. दीज आर द करंट अफेयर दैट आर देयर. कोशिश तो मेरी ये थी कि चलो ठीक है दिसंबर एंड जनवरी मैक्सिमम जितना होता है उतना खत्म करें, बट सो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा आधा घंटा क्लास लेट होगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई. तो नो प्रॉब्लम, कल कोशिश करेंगे. अगर जनवरी वाला भी ज़्यादा ना हुआ तो थोड़ा सा और डेढ़ डेढ़ घंटे की पौने दो डेढ़ घंटे की क्लास रख के तो इसको जितना जल्दी खत्म होता उतना खत्म करने की कोशिश करते हैं. तो टुमारो अगेन द क्लास विल बी स्टार्टिंग एट द सेम टाइम एट 10 AM. डू वॉच द क्लास और जो अभी पढ़ाया है आज के टाइम में नवंबर और दिसंबर में वो कर लीजिए. और साथ में अभी बस थोड़े टाइम में आपको नवंबर और दिसंबर का टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे. थैंक यू वेरी मच.